2022 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने दो चरणों में आयोजित होने वाली विजय संकल्प यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली हैं और इसीलिए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तीर्थ नगरी हरिद्वार से गढ़वाल मंडल की यात्रा का आगाज करेंगे, जबकि 19 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बागेश्वर से कुमाऊं मंडल की विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ करने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान बीजेपी डबल इंजन सरकार के कामों पर जनता से आशीर्वाद मांगेगी। पूरे प्रदेश में संकल्प यात्रा 450 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में समय काफी कम बचा हुआ है, इसीलिए पूरी तरह से एक्टिव बीजेपी नजर आ रही है और इसीलिए आपको बता दें बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं का जाना और दौरा जारी है। उत्तराखंड में दिल्ली से सीधे तौर पर उत्तराखंड बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी कड़ी में उत्तराखंड के दौरे कर रहे हैं लगातार। ऐसे में आज जेपी नड्डा पहुंचेंगे उत्तराखंड, साथ ही आपको बता दें कल अनुराग ठाकुर भी उत्तराखंड पहुंचेंगे और इस संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। हालांकि आपको बता दें आज से संकल्प यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसका शुभारंभ करने के लिए जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं। तो आपको बता दें कि हरिद्वार से गढ़वाल मंडल की यात्रा का आज ये आगाज होने वाला है, जिसका शुभारंभ जेपी नड्डा करेंगे। तो हरिद्वार से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ऋषभ चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, आज जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंच रहे हैं, संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे, कैसी तस्वीर इस समय हरिद्वार में नजर आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जेपी नड्डा का हरिद्वार पहुंच रहे हैं और एक जनसभा, तो आज विजय संकल्प यात्रा का आगाज होने वाला है। हरिद्वार से विजय संकल्प यात्रा शुरू हो रही है, जेपी नड्डा उत्तराखंड में हुंकार भरेंगे। तो साथ ही लगातार हमारे संवाददाता ऋषभ चौहान बने हुए हैं। ऋषभ, आज जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं हरिद्वार, किस तरह का माहौल हरिद्वार में बना हुआ है? हरिद्वार में माहौल बहुत ही जनसैलाब एक बीजेपी की ओर बढ़ता नजर आ रहा है और काफी भीड़ और पूरे हरिद्वार में बैनर वगैरह इन्होंने जो तैयारियां करी है बीजेपी ने, ये बहुत ही बड़ा एक जनसैलाब यहाँ पर पंतजी पार्क में देखने को नजर आ रहा है। और ये जो रैली है अर्की पेड़ी से तुलसी चौक तक ये बंटार से होते हुए निकलेगी, तो काफी बिल्कुल ऋषभ, और यह आज संकल्प यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसका शुभारंभ आज जेपी नड्डा करेंगे। कहां तक ये यात्रा पहुंचेगी, कितने दिनों की ये यात्रा है? जी ये 11 विधानसभा की, ये गढ़वाल मंडल की जो यात्रा है 11 विधानसभा को लेकर जो जेपी नड्डा शुभारंभ कर रहे हैं, इसमें क्या बोलते हैं जगह जगह विधानसभा में जाकर ये अपना विजय संकल्प रैली का शुभारंभ करेंगे। बिल्कुल ऋषभ, और कौन कौन बीजेपी की तरफ से बड़े नेता शामिल होने वाले हैं इसमें? बीजेपी की तरफ से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री काफी, और बीजेपी के पदाधिकारी नेतागण और काफी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। बिल्कुल ऋषभ, और अगर देखिए कल की बात की जाए, आज तो जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं, कल इसी विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत करने के लिए, शुभारंभ करने के लिए अनुराग ठाकुर भी पहुंचेंगे उत्तराखंड। जी जी बिल्कुल, अनुराग ठाकुर भी पहुंचेंगे, विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ भी वे करेंगे। और ये गढ़वाल मंडल में आज इन्होंने जेपी नड्डा अध्यक्ष जो है बीजेपी अध्यक्ष, इन्होंने आज से यहाँ शुभारंभ 12 बजे के बाद शुरू कर देंगे। बिल्कुल ऋषभ, अगर देखिए बीजेपी लगातार विकास कार्यों के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और सत्ता वापसी की कोशिश कर रही है, और आज जो ये विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत हो रही है, इसका भी मेन मकसद यही है कि जो सरकार के काम है उनको जनता के बीच ले जाया जाए और आशीर्वाद जनता से लिया जाए। अगर आम जनता की बात की जाए तो उनका क्या कुछ रुझान इस समय नजर आ रहा है? उनका रुझान सिर्फ यही देखने को, कहीं ना कहीं हम कहें तो बीजेपी उत्तराखंड में इस बार बीजेपी के हालात थोड़े नाजुक नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे दिन पर दिन प्रधानमंत्री का यहाँ आना, बीजेपी के यहाँ पे लगातार कमान के दौरे हो रहे हैं, उसको देखते हुए यही लग रहा है कि उत्तराखंड की जनता का जो रुझान है बीजेपी की तरफ कम है। कि काम की बात करें तो काम इतने नहीं हुए हैं जो जनता जितना जानती है, वो इसलिए बीजेपी बार बार चुनावी टाल ठोकती नजर आ रही।
बिल्कुल ऋषभ, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ जनता का रुझान कम है, तो क्या यही वजह है कि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, आज जेपी नड्डा पहुंचेंगे, अनुराग ठाकुर भी पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने आप में एक ये बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी के हर दूसरे दिन कोई ना कोई बड़े नेता केंद्र पे हाईकमान पे उत्तराखंड दौरे पर रहे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है। फिर भी केंद्र में और राज्य में सरकार होते हुए भी थोड़ी बीजेपी कमजोर नजर आ रही है। चलिए ठीक है ऋषभ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज आपको बता दें, हरिद्वार से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, साथ ही आज जेपी नड्डा उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, कल अनुराग ठाकुर उत्तराखंड पहुंचेंगे और लगातार बीजेपी जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रही है और सत्ता वापसी की पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी कहे जाने वाले लखनऊ के जैनेन्द्र यादव, मैनपुरी के मनोज यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय के घर आज इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है। बताया जा रहा है कि आयकर अधिकारी 12 गाड़ियों के काफिले लेकर पहुंचे थे और इनकम टैक्स विभाग की टीम घर के चप्पे चप्पे को खंगाल रखी है। जहां जहां विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है, उन घरों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है, लिहाजा किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। धड़ाधड़ छापे की कार्रवाई के तहत आज सुबह मऊ में टीम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर भी पहुंची। इस दौरान करीब 2 घंटे से ज्यादा समय तक टीम ने उनके घर पर छापेमार की कार्रवाई की। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस भी तैनात हो गई थी। साथ ही आपको बता दें कि छापे की कार्रवाई के दौरान सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय को घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि करीब सुबह 7 बजे इनकम टैक्स विभाग की टीम शहर कोतवाली के शहादतपुरा में राजीव राय के घर पहुंची और जैसे ही इसकी भनक सपा कार्यकर्ताओं को लगी, वो राजीव राय के घर के बाहर जमा होने लगे। कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पुलिस बुलाई गई। इनकम टैक्स की टीम वाराणसी से मऊ पहुंची है। तो आपको बता दें कि अखिलेश के करीबियों पर ये इनकम टैक्स की छापेमारी हो रही है। चुनाव से पहले इस तरह की छापेमारी होना कई सवाल अपने आप में खड़ा करता है, क्योंकि जिन जिन नेताओं के घर पर ये इनकम टैक्स की टीम पहुंची है, धड़ाधड़ छापेमारी कर रही है, वो सभी नेता अखिलेश के करीबी हैं। आपको बता दें, मऊ में सपा नेता राजीव राय के घर पर भी इनकम टैक्स की टीम पहुंची सुबह करीब 7 बजे। ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता शुभम दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, आज ये जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश के करीबियों पर इनकम टैक्स की ये छापेमारी हो रही है, क्या समझा जाए इससे? जी बिल्कुल, कह सकते हैं जिस तरीके से आज सुबह जैसे ही जो छापेमारी की गई आयकर विभाग की तरफ से, लगभग जो है मैनपुरी से लेकर के आगरा और लखनऊ तक के जो छापेमारी की गई है, और लगभग जो अखिलेश के करीबी हैं और इसमें से और एक जैनेन्द्र उर्फ तीनू यादव है, जो बताया जा रहा है कि अखिलेश के पीएर है, उनके उनके घर घर पे छापेमारी की गई है। साफ कहा जा भी जो है विशाल खंड में छापेमारी चल रही है और जो आयकर विभाग के लोग हैं वो लगातार छापेमारी कर रहे हैं। इससे साफ पता चल सकता है कि अखिलेश के जो करीबी हैं कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर जो छापेमारी की जा रही है, और लगातार अभी जो विपक्ष की प्रतिक्रिया है वो आना बाकी है, लेकिन जो छापेमारी की गई है उसमें जो है साफ साफ कह सकते हैं जो मैनपुरी के जो सपा के नेता हैं उनकी तरफ से, उनका जो अभी तक जानकारी आई है कि बेंगलुरु वगैरह में कई सारे स्कूल हैं, कई सारे कॉलेज हैं, जिसकी वजह से अभी तक जो है जो छापेमारी की गई उसमें साफ अभी जो है जब छापेमारी होने के बाद जो आयकर विभाग की टीम है वो सारी चीजें जो है खुलासा करेगी, आखिरकार क्या क्या चीजें जो है सपा के नेताओं के घर में निकल के आई है, क्या क्या चीजें जो है जांच में मिली है। बिल्कुल शुभम, और देखिए जब मऊ की बात करें तो मऊ में राजीव राय के घर पर जब सुबह सुबह 7 बजे आयकर विभाग की टीम पहुंची छापा मारने के लिए, तो सपा कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हो गए, पहुंच गए, हंगामा करने लगे, जिसकी वजह से वहां पर भारी पुलिस बल भी बुलाना पड़ा। जी हाँ बिल्कुल, साफ कह सकते हैं जिस तरीके से सपा के की गई है उसके
साथ और भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और वहां पर उन्होंने हंगामा भी किया और पुलिस ने उनको और वहां से हटाया। साफ कहा जा सकता है चुनाव नजदीक है, 2022 का चुनाव भी नजदीक है, चुनाव के नजरिए से अगर विपक्ष देखता है तो कहीं ना कहीं अखिलेश के जो करीबी है उन पर जो छापेमारी की गई एक सवाल विपक्ष जरूर जो है खड़ा कर सकता है कि आखिरकार जो इस वक्त जो छापेमारी की गई उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश को जो है कहीं ना कहीं छापेमारी के जरिए कमजोर करने की कोशिश कही जा सकती है। लेकिन अभी जब छापेमारी के बाद जो विपक्ष की प्रतिक्रियाएं हैं वो आना बाकी है, लगातार अभी जो जो उनके कार्यकर्ता है समर्थक है वो लगातार हंगामा करते जा दिख रहे हैं, लगातार उसका विरोध भी कर रहे हैं। बिल्कुल शुभम, देखिए तीन अभी नेताओं के नाम सामने आए हैं तो क्या इस लिस्ट में कुछ और नेता भी समाजवादी पार्टी के शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, अभी जो है तीन नेताओं के नाम सामने हैं, उसके साथ साथ अभी जो है लगभग कहा जा रहा है 1 दर्जन से ज्यादा नेता हैं जिनके घर पर जो है छापेमारी की जाएगी और 1 दर्जन से ज्यादा नेता हैं उनके घर पर छापेमारी की जाएगी और लगातार जो दस्तावेज है वो भी खंगाले जाएंगे कि उनके पास जो संपत्ति का विवरण भी लेने की कोशिश की जा रही है। लगातार जो चीजें हैं वो उनको कहीं ना कहीं जो सपा के 1 दर्जन से ज्यादा जो नेता है उनकी लिस्ट जो है पूरे तरीके से तैयार की गई होगी, उसी के बाद अब जो है छापेमारी की गई है, लगातार जो है अभी भी जो है आगे जो है छापेमारी की जाएगी। चलिए ठीक है शुभम, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इस खबर पर ज्यादा जानकारी हमारे ये संवाददाता शुभम दुबे दे रहे थे कि अभी कई और नेताओं के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि अखिलेश यादव के कई करीबी नेताओं पर ये इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। सुबह 7 बजे टीम इन सभी नेताओं के घर पर पहुंची, जिसके बाद कई जगहों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा भी देखने के लिए मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहजहांपुर के रोजा रेलवे ग्राउंड में आज गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। वो लगभग 1.25 घंटे शाहजहांपुर में मौजूद रहेंगे और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री लगभग 1 लाख लोगों की जनसभा को संबोधित भी करेंगे। वहीं प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से संबंधित तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के अधिकारियों ने सुरक्षा संबंधी सारी तैयारियां परखी, साथ ही रिहर्सल भी किया गया। वहीं पुलिस अधिकारियों ने फोर्स को ब्रीफ किया और हर पॉइंट पर पुलिस कर्मियों की तैनाती के बारे में बताया। प्रधानमंत्री के आने से लेकर जाने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण करने के संबंध में अंतिम तैयारियों को अंजाम भी दिया गया। तो आज उत्तर प्रदेश को यह बड़ी सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि शाहजहांपुर पहुंचकर गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो लखनऊ से लगातार हमारे संवाददाता शुभम पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, आज उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात मिलने वाली है, शाहजहांपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो है पीएम मोदी जो है उत्तर प्रदेश में जनसभाएं कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और अभी जो है कह सकते हैं लखनऊ में अब लखनऊ एयरपोर्ट से कुछ ही समय बाद वो वहां पहुंचेंगे और शाहजहांपुर साफ कहा जा सकता है। जो तस्वीरें हैं उनमें जो जिस तरीके से पीएम मोदी ने अब उत्तर प्रदेश को लगभग 10 दिनों में चार दिनों का जो दौरा दिया है, लगातार अब उत्तर प्रदेश को नई नई सौगातें जो है मिलना शुरू हो गई है। इससे पहले जो है वाराणसी में एक सौगात दी गई है, साफ कहा जा सकता है जिस तरीके से विकास की जो डोर है उसको जो है जो एक कह सकते हैं सौगात बरसाने की जो बात है पीएम मोदी की तरफ से साफ देखी जा सकती है। लगातार जो है अभी कुछ ही समय बाद वो वहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद वहां पर जो है संबोधन करेंगे, संबोधन के जरिए जो है कई सारी योजनाओं का भी जो सौगात है वो सौंपेंगे और कहा जा सकता है करोड़ों की सौगात जो है शाहजहांपुर की जो सरकार जमी है उसकी झोली में सौंपेंगे, साफ कहा जा सकता है जब वहां पर पहुंचेंगे। और उनके साथ कई सारे नेता मौजूद होंगे, कई सारे कार्यकर्ता रहेंगे और मुख्यमंत्री योगी खुद जो है मंच पर मौजूद रहेंगे, उसी के साथ बहुत सारी
सौगातों के साथ जो है वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के जो 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 वहाँ के जो जनता है उसको भी आज जो है एक नई सौगात मिलने की जो है वो पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल शुभम, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा जा रहा है, जानकारी जो मिली है कि 1.25 घंटे ही शाहजहांपुर में मौजूद रहने वाले हैं। अगर सुरक्षा के इंतजामों की बात की जाए तो किस तरह के इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं सुरक्षा को लेकर? क्या बिल्कुल जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के आने पर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए, लगातार सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है। लगातार जो आलाकमान के अधिकारी हैं उन्होंने जांच पड़ताल की है, लगातार कह सकते हैं डॉग स्क्वाड की टीम वगैरह ले जाकर के कई सारी चीजें जो है वहां पर परखी गई है। पहले से जो है आलाकमान वहां पर अपनी कमर कसे हुए, लगातार जो सुरक्षा का अमला है वो पीएम मोदी की तरफ से किसी भी तरह की जो है चूक नहीं बरतना चाहता, जिसकी वजह से लगातार जो है जो सुरक्षा है उसको जो है ताक चौबंद रखा गया, लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको जो है एकदम जो है कह सकते हैं चौकस बनाने की व्यवस्था की गई है। जी चलिए ठीक है शुभम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें शाहजहांपुर अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जहां पर वो गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखा, ये बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश को देने जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें चुनाव से पहले लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश को एक के बाद एक ये बड़ी सौगातें दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही हैं। यूपी के सियासी रण में प्रियंका गांधी पहले से ही काफी सक्रिय हैं और अब राहुल गांधी ने भी कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनजागरण अभियान चल रहा है और आज बारी गांधी परिवार के गढ़ अमेठी की है। जी हाँ, जो 18 दिसंबर को राहुल गांधी इस अभियान में शिरकत करेंगे, जहाँ वो 15 किलोमीटर पद यात्रा करने वाले हैं। उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहने वाली है। तो आज आपको बता दें कि अमेठी में प्रियंका और राहुल गांधी दोनों ही हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। 15 किलोमीटर की ये पद यात्रा राहुल और प्रियंका दोनों करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें एक बार फिर से सियासी जमीन अमेठी में तलाशने की कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही है, हालांकि बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पूरी पुरजोर कोशिश करती नजर आ रही है। क्योंकि लगातार आपको बता दें प्रियंका गांधी तो उत्तर प्रदेश में सक्रिय नजर आ रही है, और लेकिन इसी कड़ी में आज राहुल गांधी भी उनके साथ अमेठी पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ अमेठी से शिवांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवांशु, आज राहुल गांधी और प्रियंका दोनों ही अमेठी पहुंच रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? चलिए शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो अमेठी में मोर्चा संभालने के लिए राहुल और प्रियंका पूरी तरह से दोनों ही तैयार हैं, 15 किलोमीटर की पदयात्रा करने वाले हैं। चुनाव से पहले बेहद अहम यह अमेठी का दौरा माना जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस अमेठी में गांधी परिवार की एक काफी मजबूत पकड़ थी, अब वहां पर गांधी परिवार का डंका तो नहीं बज रहा, लेकिन उसके बाद भी इस बार कोशिश कांग्रेस करती नजर आ रही है कि फिर से सियासी जमीन वहां पर तलाशने की कोशिश वो करेगी। साथ ही ऐसे में आपको बता दें कि आज प्रियंका और राहुल दोनों ही पहुंचेंगे, कल भी उनके तमाम कार्यक्रम अमेठी में रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले बीजेपी जनता को लुभाने की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसीलिए बीजेपी अगले साल जनवरी के दूसरे हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेगा रैली कराने की तैयारियों में जुट गई है। जी हां, ये रैली राजधानी लखनऊ में होगी। जानकारी मिली है कि बीजेपी लखनऊ में होने वाली पीएम मोदी की मेगा रैली के लिए 10 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का प्लान बना रही है। ये रैली उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले होगी। सूत्रों के मुताबिक 9, 10 या 11 जनवरी को पीएम मोदी लखनऊ में रैली कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी की मेगा रैली कराने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। लखनऊ में ये रैली होगी, जिसमें एक लक्ष्य रखा गया है कि 10 लाख लोगों को जुटाया जाएगा इस रैली में। जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी। आचार संहिता लगने से पहले ये रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है।
देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट ने अब दस्तक दे दी है। गाजियाबाद में इस वेरिएंट से संक्रमित दो मरीजों की पुष्टि हो गई है। दोनों ही शख्स बीते दिनों महाराष्ट्र से लौटे थे और किसी को भी कोई लक्षण नहीं है, लेकिन सावधानी के लिए होम आइसोलेशन में रखा गया है। बताया गया है कि दोनों ही संक्रमित मरीजों की उम्र 60 साल से ज्यादा है, एक पुरुष है और दूसरी महिला है। वो 2 दिसंबर को कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन आपको बता दें कि जीनोम सिक्वेंसिंग के बाद उन्हें ओमिक्रॉन वेरिएंट की उनमें पुष्टि हो गई है। ऐसे में राज्य सरकार तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई है और हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि दोनों में किसी मरीज में भी गंभीर लक्षण नहीं पाए गए हैं। ऐसे में होम आइसोलेशन में इलाज उन दोनों का ही चल रहा है और अभी इस समय देश के कई राज्यों में ओमिक्रॉन की दस्तक पहुंच चुकी है। राजधानी दिल्ली में ही एक दिन में 10 केस आने से हड़कंप मचा हुआ है। महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन संक्रमितों की मरीजों की संख्या 40 हो गई है। तो ऐसे में गाजियाबाद में भी अब ओमिक्रॉन की दस्तक जो है वो हो चुकी है। 2 संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं और गाजियाबाद से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अभी तक उत्तर प्रदेश में एक भी ओमिक्रॉन का मामला सामने नहीं आया था, लेकिन गाजियाबाद में ही 2 मरीज मिल चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, गाजियाबाद में 2 मरीज मिले हैं और ये जो मरीज है मुंबई गए थे और मुंबई से कार के द्वारा जयपुर से होते हुए घर लौटे थे, जिसके बाद इन्होंने अपनी जांच कराई तो पहले से इनकी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव जांच कराई तो उसमें ये दोनों जो दंपत्ति है, खासकर ये बुजुर्ग दंपत्ति है, इनको जो है ये लक्षण मिले हैं, जिसके बाद इनको होम आइसोलेशन में रख दिया गया। वहीं दूसरी ओर अगर प्रशासन की बात करें तो जब से इस तरह के ये केसेस आए हैं, जब से जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं डॉक्टर आर के गुप्ता, उन्होंने स्वास्थ्य टीम पूरी तरह से अलर्ट किया है और लगातार जो है जांच की जो दौरा था, जिस तरह की जांच हो रही थी उसमें जो है उन्होंने तेजी कर दी है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले इसमें क्या कहते हैं गाजियाबाद में पिछले कुछ दिनों में 22 कोरोना के मरीज मिले, लेकिन 2 मरीज जब से ये मिले हैं तब से हड़कंप मचा हुआ है। जी बिल्कुल जितेंद्र, और देखिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही सतर्क थी, अलर्ट थी, लेकिन अब जब 2 मरीज सामने आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद में 2 संक्रमित मिल चुके हैं ओमिक्रॉन के, तो क्या कुछ और अब गाइडलाइंस बदली जा सकती है सरकार की तरफ से? जी, पूरी तरह से अगर देखा जाए कि जिस तरह से ये लोग लौटे थे और कोई लक्षण इनमें नहीं दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद बावजूद भी इनको ओमिक्रॉन कोरोना वायरस है जो वो हो गया, जिसके चलते लगभग अंदाजा लगाया जा रहा है कि किस तरह से और जो इनकी गाइडलाइंस है उसमें बदलाव किया जाए ताकि लोग बच सके। क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो है ये पहले के मुकाबले 60 गुना ज्यादा खतरनाक होता है और पहले दिन से ही असर दिखाता है। और सबसे पहली बात इसकी ये है कि शुरुआत से ही सांस की नली पर असर करता है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को बचने का टाइम कम मिलता है। और इसी को देखते हुए हो सकता है कि गाजियाबाद प्रशासन और खास तौर पर उत्तर प्रदेश प्रशासन इस चीज की गाइडलाइंस को चेंज करें, क्योंकि इस वक्त जो मौसम चल रहा है वो सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में इस तरह की जो दिक्कत है वो भी आम हो जाती है। अगर बात करें दूसरी और बीमारियों की तो उसके चलते ये लक्षण भी बड़े आसानी से फैल सकते हैं। जी जी, चलिए ठीक है जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में भी अब ओमिक्रॉन के मामले मिल चुके हैं। गाजियाबाद में ओमिक्रॉन के 2 संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें दोनों ही पति पत्नी मुंबई से लौटे थे, दोनों की उम्र 60 साल से ज़्यादा बताई जा रही है। हालांकि लक्षण ज़्यादा नहीं हैं दोनों में, इसीलिए होम आइसोलेशन में रखा गया है।